नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी की महिला को पैसे के मामले में गला दबाकर हत्या करने वाला प्रेमी गिरफ्तार। वलसाड़ में कोसम कुआ के आरोपी स्नेहल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी। पारड़ी के कोलक गांव स्थित ज्ञान सागर इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्पोर्ट डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न खेलों में भाग लिया और आनंद लिया। दमन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गिर गाय के फार्म हाउस का दौरा कर सरकार की गिर गाय योजना के बारे में जानकारी दी। सरकारी योजना के माध्यम से सब्सिडी ऋण प्राप्त कर महिलाओं को गिर गाय योजना का लाभ उठाने की अपील की। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी की महिला को पैसे के मामले में गला दबाकर हत्या करने वाला प्रेमी गिरफ्तार हुआ। पारड़ी तालुका के लखमापुर गांव के पटेल फलिया में रहने वाली तलाकशुदा हसुमती बेन पटेल 16 जनवरी 2024 को वलसाड़ जिले के वेलवा चौकदरड़ा में जली हुई हालत में मृत पाई गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीण थाने में अपराध दर्ज कराया। घटनास्थल पर एक ज्वलनशील पदार्थ पाया गया। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवती का मुंह और गला दबाया गया था और सिर पर चोट थी। वहीं पुलिस ने आगे की जांच में खुलासा किया कि उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। लड़की की मां और बेटा भी मौके पर पहुंच गए, जिसका बयान पुलिस ने लिया। इस संबंध में डीएसपी ए के वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हसुमती बेन पटेल नाम की लड़की का रिश्ता 2 साल पहले ककोसम कुआ में दूध डेयरी में काम करने वाले स्नेहल उर्फ लालू से हुआ था। पैसों की बात को लेकर आमने सामने की लड़ाई हुई और उसी समय लड़की के सिर पर चोट लगने के कारण उसे दीवार से पटक पटक कर मार डाला और हत्या के बारे में किसी को पता न चले इसके लिए स्नेहल ने कोशिश की पेट्रोल छिड़क कर शव को ठिकाने लगाने की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और आगे की जांच जारी है। तारीख 16/2024 ना रोज वलसाड़ रूरल पुलिस ने जांच थी थी के वलसाड़ रूरल याद में आवेल विवाद गांव में पानी की टांकी की दीवाल पास एक युवती ने अर्ध बड़ी हालत में लाश पड़ेली है। जे बाबते थाना अधिकारी अन्य पुलिसों त्या जाने तपास करता युवती की आजूबाजू ज्वलनशील पदार्थ की हाजरी पर मिली थी और युवती की अर्ध बड़ी लाश मिली थी, जेमा इजा के एवं क्लियर न थता अकस्मात मौत दाखिल करी आगनी तपास हाथ धरेली अने सदर युवती पोस्टमार्टम करता ए स्त्री मोढ़ू और गड़ू दबावी ने तथा माथा में पाछड़ इजा पर मिली आएगी जी श्वास दवा कारण मृत्यु थे खुलेलू। तो आ बाबते आ स्त्री कई है ये तपास चालू थी, जे दरमियान वातोवात थी आ युवती माता ने खबर पड़ता ए माता जे लखमपुर गा में रहे ये लोग गेला साथ साथ मरण जहाँ युवती थी एन पुत्र ए लोग आ लाश ने ओखी बताड़ी थी अने पीएम रिपोर्ट आया बाद एमनी फरियाद लई वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन में खुल्लो गुनो दाखिल करवामां आवेलो छे। वधु तपासमां एवुं जाणवा मळेलुं के आ युवती ने 16 तारीख पहला जे व्यक्ति पासे ए जती आवती थी जेनी साथे संबंध हतो एनी साथे एने पैसानी बाबते माथाकूट थई थी, जे माथाकूट बाबते आ व्यक्तिए एनुं दीवालो माथुं पछाड़ीने एनी हत्या करवानुं खुलेलुं अने हत्यानी कोईने खबर ना पड़े जेथी लाशनो निकाल करवाना माटे पेट्रोल छाटीने એને સળગાવી નાખવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો। વ્યક્તિને સાથે એ વ્યક્તિ કોસમકુવા ખાતે દૂધ ડેરીમાં કામ કરે છે અને 2 વર્ષ પહેલાંથી એને સંબંધ હતો અને અગાઉ પણ આ લોકોને પૈસાની લેવડદેવડ ચાલતી હતી। પારડી કે કોલક ગામ સ્થિત જ્ઞાન સાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ મે સ્પોર્ટ ડે ઉત્સાહપૂર્વક મનાયા ગયા। પારડી તાલુકા કે કોલક ગામ મે સર્વજન મંડળ દ્વારા સંચાલિત જ્ઞાન સાગર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ મે એક ઓર ખેલ દિવસ કા આયોજન કિયા ગયા, जिसमें लगभग 200 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में उत्साह पूर्वक भाग लिया और जश्न मनाया। इसमें जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र टंडेल, कोलक गांव के सरपंच ग्रेविन टंडेल, उप सरपंच अजीज कोलकर, कोलक डिवीजन सार्वजनिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य प्रफुल्ल भाई टंडेल, कांति भाई टंडेल, बाबू भाई टंडेल, प्रिंसिपल दीप्ति बेन पटेल, शिक्षक छात्र और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस खेल महोत्सव में विभिन्न खेल जैसे की कबड्डी, खो खो, रिले रेस, रस्सा कसी आदि खेले गए।
इसके साथ ही अभिभावकों ने भी भाग लिया और गेम का आनंद लिया। जितेंद्र टंडेल ने बताया कि विजेता बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए और इस खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देना है, जिसके लिए वार्षिक खेल उत्सव मनाया जाता है। प्राचार्य एवं शिक्षकों ने बताया कि ज्ञान सागर इंग्लिश मीडियम स्कूल के 9 विद्यार्थियों का चयन शासकीय खेल महाकुंभ के लिए हुआ है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। हमारे स्कूल में सेकेंड स्पोर्ट्स डे आयोजित किया गया था, उसमें हमने इंडिविजुअल गेम्स भी रखी थी और साथ ही साथ ग्रुप गेम्स भी रखी गई थी। इंडिविजुअल गेम्स जैसे कि सैक रेस, रनिंग रेस, वन बॉल पिकिंग रेस, हर्डल रेस, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, ये सारी हमारी इंडिविजुअल गेम्स थी। और ग्रुप गेम में हमें रिले, टग ऑफ वॉर, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ये सारी गेम्स भी खिलाई गई थी। हमारे स्कूल के 9 विद्यार्थी महाकुंभ के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें 9 विद्यार्थी हमारे स्कूल से सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मायसेल्फ दीप्ति परेश पटेल, द प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान सागर इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्लम। वी आर हियर रनिंग क्लासेस फ्रॉम स्टैंडर्ड नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10th। वी हैव अ गुड क्वालिफाइड टीचर स्टाफ एंड लास्ट ईयर वी गॉट 100% रिजल्ट इन SSC बोर्ड एग्जाम। In that, one of our students, whose name is Gunjan Tandel, get 100 out of 100 in math. Now, this year, we are just doing our sports day with the help of our, with the support of our that president and our all trust members. We are having a good quality teachers and we have a different type of activities like skating, dancing and Bharatanatyam and karate also. Welcome you everyone to the admission, to get admission in our school. Thank you very much. Aje Kolak Vibhag Sarvajanik Keravani Mandal Sanchalit Gyan Sagar English Medium School ma sport day rakhvama avyo hato. Ema lagbhag 200 jetla vidyarthiyoe bhag lido ane sathe valiyo ni pan game ramadvama avi ane ema badhaye saras enjoy karyo ane aa sport day ma apna mukhya mehman hata ग्रेविन टंडेल सरपंच, उप सरपंच जीजभाई और अमरा ट्रस्टी मंडल सभ्य हाजर रहा था। जे प्रिंसिपल मैमे जो तैयारी करी, टीचर स्टाफे जो मेहनत करी और बाड़कों जो उत्साह वधारा, बाड़कों गेम में आज अमरा बाड़कों स्कूल बाड़कों से सरस रमत गमत में आगे बढ़ी रहा है। जे मेहनत स्टाफ कर रही है स्कूल जे टीचरो है प्रिंसिपल, ये खूब प्रशंसा ने पात्र है। तो ज्ञान सागर स्कूल वर्षो वर्ष प्रगति करती रहे અને અમારું ટ્રસ્ટી મંડળ, જે ગામનું ટ્રસ્ટી મંડળ છે, એમને હંમેશા સપોર્ટ કરતું રહે છે અને સ્કૂલ ખૂબ આગળ વધે એવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। બાળકોને આજે એમને ઇનામ રૂપે એક મેડલ આપવામાં આવ્યું અને સાથે એમને સર્ટિફિકેટ પણ, એ સર્ટિફિકેટને પણ એને આપવામાં આવ્યું, એટલે બાળકોને ખૂબ ઉત્સાહિત અને ખૂબ સરસ રીતે ભાગ લીધો બાળકોએ। આજનો સ્પોર્ટ્સ ડે ખૂબ જ સરસ હતો, ખૂબ જ મજા આવી અને સ્પોર્ટ્સ ડેમાં રેડ ટીમ વિનર બન્યું છે, એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અને બાળકોને ખૂબ જ મજા આવી તથા વાલીઓને પણ ખૂબ મજા આવી। એમાં ગ્રુપ ગેમ હતી, એમાં ખોખો, કબડ્ડી, ક્રિકેટ, વોલીબોલ, ટગફો એવી અલગ અલગ જાત જાતની ગેમો રમાડવામાં આવી હતી। દમણ મે મહિલાઓ કો આત્મનિર્ભર બનાને કે લિયે ગીર ગાય કે ફાર્મ હાઉસ કા દોરા કર સરકાર કી ગીર ગાય યોજના કે બારે મે જાણકારી દી ગઈ। સરકારી યોજના કે માધ્યમ સે સબસિડી ઋણ પ્રાપ્ત કર महिलाओं को गिर गाय योजना का लाभ उठाने की अपील की गई। गिर गाय योजना 3D प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की गई है। दमन की महिलाओं को गिर गाय योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दमन के पूर्व सांसद गोपाल भाई टंडेल ने सभी महिलाओं को सरकार की गिर आदर्श आजीविका योजना, एकीकृत डेयरी विकास इकाई और लघु उद्योग के बारे में जानकारी दी। डेयरी इकाई योजनाएं और भावी कलपति के नेतृत्व में बिग दमन ढुलार में गिर गाय फार्म हाउस का दौरा किया, जहां उन्हें सरकार की गिर गाय योजना की व्यापक समझ दी गई, जो SC ST से संबंधित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य SC ST और OBC दिव्यांग और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और साथ ही छोटे डेयरी फार्म स्थापित करना और उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना, स्वरोजगार और ताजा उत्पादन करना है। आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए
जैविक फार्म दूध और दूध उत्पाद लागू किए गए हैं, जिनमें से दो ऋण IDDP योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं, जबकि गाय SSDU योजना के तहत 10 गिर गाय प्रयोजन ऋण दिया जाता है। योजना को आसान और सुलभ बनाने के लिए लाभार्थियों को पशुपालन विभाग से गिर गाय की खरीद पर 25% सब्सिडी और अन्य घटकों पर 50% सब्सिडी और SC ST निगम से ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जबकि गाय SSDU योजना के तहत SC ST से ऋण दिया जाता है, निगम 8% वार्षिक ब्याज पर आता है। ऋण और सब्सिडी राशि संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। पशुपालन विभाग अपने अस्पतालों केंद्रों के माध्यम से उस लाभार्थी को सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी प्रदान करेगा। महिलाओं को गिर गाय योजना पर फार्म हाउस के प्रबंधक प्रतीक भाई पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों द्वारा पूरी तरह से मार्गदर्शन दिया गया। मुरलीधर फार्म से ढोरचार से अरे यहाँ लगभग आ प्रतीक भाई घना वर्षों थी चलावे थे गीर गाय से अने आज अमें गीर गाय प्रशिक्षण रखे कि भाई बहनों ने समझा तो आदिवासी बड़ी बहन लोगों आवेली जितना आज भाविक भाई है ये संपर्क में बड़ी बहन एने आज बड़ी काम छे तो एवं इच्छे छे कि अमे आज वेटनरी के हस्बेंडरी ये जे स्कीम आपे गीर गाय माटे तो आ बहनों ने समझावी गीर गाय अने 10 गाय ले 2 गाय ले तो कितना हप्ता अने केटली केवी रीते राखवानी तो आ वेटनरी भाई समझाई बधुं अने बधी बहनों तैयार छे मतलब लेवा माटे बस एक बैंक लोन आपे तो तेना माटे कलेक्टर ने बात कर ली तो कलेक्टर कहे कि हूँ खाली आदिवासी माटे आपवा एटले बेकवर्ड माटे आदिवासी तो हमें वो समझाए कि OBC सिलवासा में आमले स्कूल की ओर से रैली निकाली गई। हनुमान जी महाराज मंदिर पर श्री राम लीला की झलक दिखाई गई। सिलवासा के आमले स्थित पंकिंस प्रे स्कूल के छात्र प्रभु श्री राम, सीता मैया, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान जी महाराज की वेशभूषा में नजर आए। विद्यार्थियों की रैली स्कूल मैदान से शुरू होकर झंडा चौक किलवानी नाका होते हुए आमली हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंची, जहां पर श्री राम लीला का अवलोकन दिखाया गया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन जिगिशा पटेल, हनुमान जी महाराज मंदिर के ट्रस्टी अश्विनी पटेल समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। जय श्री राम। सबसे पहले मैं पंकिन प्रिंस स्कूल और मिलेनियम इंग्लिश स्कूल की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से आज हमारे जीवन में ये ऐतिहासिक क्षण आया है। 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो कई लोगों को बहुत साल से इंतजार था और जो उनका इंतजार था वो 22 जनवरी को खत्म होगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो हमारे जीवन में ऐतिहासिक क्षण आया है वो उन्हीं के लिए आया है। जय श्री राम। धन्यवाद। आज जो पंचिंग स्कूल से शोभा यात्रा निकाली तो चेयरमैन का क्या कहना चाहते हैं? हमारे स्कूल से हमने शोभा यात्रा निकाली थी, इस शोभा यात्रा का हम लोग एक वीक से बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस चल रही है, बच्चों सारे डांस करने के लिए सब प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ से हमने स्कूल से शोभा यात्रा निकाली, पूरे शहर में घूमते हुए हनुमान जी मंदिर के पास हमने वहाँ पे राम जी सबको दर्शन करवाया। वहाँ से हमने वापस रैली अपने स्कूल लेके आए और स्कूल पे हमने खत्म की। हमने ये स्कूल से संकल्प लिया है, हमारे स्कूल ने ये संकल्प लिया है कि एक हफ्ते में 2 बार हम लोग हनुमान चालीसा का पठन अपने बच्चों से करवाएंगे ताकि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है वो टिकी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, जिगिशा पटेल जी, प्रधानाचार्य जी, ज्योति मैम जी, हमारे जो ट्रस्टी हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से आज ये हमारी शोभा यात्रा है वो सफल हुई है। धन्यवाद। दमन के श्री मांझी महाजन स्कूल में वार्षिकोत्सव में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य जश्न मनाया। दमन में श्री माछी महाजन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित श्री माछी महाजन स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धीरू भाई धुका मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। साथ ही श्री माछी महाजन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र मलबारी, प्रबंध समिति सलाहकार दल के सदस्य, महिला मंडल, भक्त मंडल
खेल एवं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्य द्वारा किया गया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारड़ी की महिला को पैसे के मामले में गला दबाकर हत्या करने वाला प्रेमी गिरफ्तार। वलसाड़ में कोसम कुआ के आरोपी स्नेहल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी। पारड़ी के कोलक गांव स्थित ज्ञान सागर इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्पोर्ट डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न खेलों में भाग लिया और आनंद लिया। दमन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गिर गाय के फार्म हाउस का दौरा कर सरकार की गिर गाय योजना के बारे में जानकारी दी। सरकारी योजना के माध्यम से सब्सिडी ऋण प्राप्त कर महिलाओं को गिर गाय योजना का लाभ उठाने की अपील की। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।